हो गया बेटा आपका प्रूफ्ड, वर्क डन बराबर एनर्जी के होता है, यानी यही बेटा हमारा प्रूफ्ड हो गया, यही हमारा क्या कहलाता है हीटिंग लॉ, या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी ज्यादा एनर्जी आएगी। तो पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा हुआ है बेटा आपका कंडक्टर विच अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एज कंडक्टर, इंसुलेटर विच डज नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एज इंसुलेटर, टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू एनी के होता है, करंट अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड एज बेटा आपका करंट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यूनिट इज एम्पियर जूल पर सेकेंड, व्हाट इज पोटेंशियल, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू फ्लो ऑफ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कॉल्ड बेटा आपका पोटेंशियल, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू के, यूनिट इज जूल पर कूलम, यह बेटा आपका वोल्ट, मेजरिंग डिवाइस इज वोल्ट मीटर, फॉर द करंट इज एमीटर, एंड थर्ड पॉइंट इज द रेजिस्टेंस, क्या होता है आपका ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट और इनफ्लो ऑफ करंट कॉल्ड आपका रेजिस्टेंस, यूनिट इज ओम, ये बड़ा आपका वोल्ट पर सेकेंड, क्या होता है ओम्स लॉ, इफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज देन द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट, रेजिस्टेंस कैन बी कंट्रोल कैन बी इंक्रीज या डिक्रीज, यस हाउ, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ रेजिस्टेंस शुड बी इंक्रीजेस, बाय डिक्रीजिंग द लेंथ रेजिस्टेंस शुड बी डिक्रीजेस, बट इफ यू इंक्रीज द एरिया रेजिस्टेंस शुड बी इंक्रीजेस, इफ डिक्रीज द एरिया रेजिस्टेंस शुड बी इंक्रीजेस, बड़ा याद रखना, ठीक है, एंड व्हाट इज द पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट्स कॉल्ड एज पावर, ये सारी चीजें बेटा हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने बेटा आपका कि हमारे बिजली बिल कितनी आती है, जो कि न्यूमेरिकल की जान है, ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।